यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने हैं नितिन अग्रवाल और समाजवादी पार्टी के विधायक नरेंद्र वर्मा को उन्होंने हराया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के विधायक नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिले हैं। तो नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले जबकि नरेंद्र वर्मा उनको 60 वोट मिले। तो यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने हैं नितिन अग्रवाल। पूरे जनपद के इतिहास में राजनीतिक समीकरण श्री नरेश अग्रवाल की राजनीति के बाद नितिन अग्रवाल जी ने इतिहास में वो कदम उठाया है, वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, जिसको हरदोई और उत्तर प्रदेश याद रखेगा। नितिन अग्रवाल जैसा नौजवान युवा कर्मठ विधायक मंत्री रह चुके हैं 2 बार और आगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश और देश के कैडर में आज हरदोई का नाम ऊंचा किया है। माननीय नितिन अग्रवाल जी ने जिस प्रकार से राजनीति में नितिन अग्रवाल को बढ़ाया, निश्चित रूप से वो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर आगे देश की राजनीति में इसी तरीके से सफल होंगे। हरदोई के तमाम नौजवान बुजुर्ग और जितने भी उनके नरेश अग्रवाल के पुराने साथी हैं, सब लोग इतना खुश हैं कि आज लगा उन्हें कि आज हरदोई का लाल नितिन अग्रवाल ने इतिहास में बहुत बड़ा कदम सफलता प्राप्त की है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हम बधाई देते हैं और 20 तारीख को जब वो हरदोई आएंगे, जैसे एक बार श्री नरेश अग्रवाल जी हरदोई आए थे तो हरदोई में पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन जब नितिन अग्रवाल हरदोई आएंगे तो पैर रखने की पूरे जनपद में जगह नहीं होगी। हम फिर से बधाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी को और तमाम नौजवान साथियों के कि आपके उज्जवल भविष्य की और नितिन अग्रवाल के उज्जवल भविष्य की हम कामना करें।